एक पेरेंट्स मेरे पास आए, अभी आप मानोगे नहीं, एडमिशन करा के चले गए, एडमिशन कराए, जोश जोश में आके चले गए एडमिशन करा के कि सर 11 तारीख को आएंगे, आएंगे तब इसकी मम्मी भी साथ आएगी। फिर 11 तारीख को मेरे पास रसीदें लेके आए, क्या लेके आए, वो पहले आए ना 5 दिन पहले जो रसीद कटा के गए थे, वो रसीद वापस लेके आए कि सर ये रसीदें। मैंने कहा रसीदें थोड़ी, मेरे को तो बच्चा चाहिए, कि बच्चा तो उसकी दादी और उसकी मम्मी, जब से एडमिशन कराया है उसके बाद में खाना ही नहीं खा रही मम्मी, दो बार तो बेहोश हो गई। मतलब हकीकत बता रहा हूं, बच्चे की रसीद काट के और गांव गए और उसके बाद वो रसीदें लाके मेरे को दिखा रहे कि सर यार 11वीं में तो ये वहीं रखेंगे, 12वीं में लाएंगे, इसकी मम्मी और दादी खाना ही नहीं खा रही, मम्मी दो बार बेहोश होगी, अब उसको ये है कि ये छोरा चले जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी, तो इससे बढ़िया है जाए ही नहीं। तो कि वो सर को रसीदे दिखा के जो कुछ सर करे देख कर नक्की करो। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा जिगर वाले मम्मी पापा वही बच्चे को दूर अभी वर्तमान में कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, वो बहुत दुख पा रहे हैं, मान के चलो आपके बिना वो नहीं रह पा रहे, लेकिन उनको इस चीज की खुशी है कि जो काम वो नहीं कर पाए पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, वो काम मेरे छोरा करेगा, मेरी छोरी करेगी, इसलिए अंदर ही अंदर वो रोलेंगे, लेकिन आपको यहां छोड़ के चलेंगे। अब उनको उस दिन खुशी होगी, ये उनका रोना धोना चल रहा होगा घर पे, लेकिन वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन पड़ोसी आके ये कहे कि आपने बढ़िया काम किया, आपका छोरा देखो आज दिल्ली चला गया, आज आपका छोरा आज प्रोफेसर बन गया, आपका छोरा वैज्ञानिक बन गया, आपका छोरा जोबनेर कॉलेज में गया, आपका आरसी उदयपुर में आया, आपका बच्चा पंतनगर उत्तराखंड चला गया, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, ये सुनना चाहते हैं वो, इसलिए वो इतनी दूर छोड़ के जा रहे हैं। और मुझे पता है सेम दर्द कई बच्चों के आपके भी हो रहा है। मुझे याद आ रहा है मैं 11:30 बजे के आसपास अक्सर शाम को यहां आता हूं नाइट में, तो 11:30 बजे वो बच्चे भी यहीं बैठे हैं, तो मैंने कहा मन वन लग गया क्या, तो बच्चे के मुंह से निकला कि सर मन तो लगाना पड़ेगा, मतलब ये बात बोलते हैं उसके दर्द है घरवाला, लेकिन उसके मन से निकला कि सर मन तो आगे बढ़ना है तो लगाना पड़ेगा। मैं काउंसलिंग में भी कहा था कि जो सुबह घर से टिफिन लेके जाते हैं और शाम को टिफिन लेके आते हैं वो इस धरती पर नया नहीं करते। ईश्वर ने आपको सौभाग्य दिया है कि आज इस रॉयल संस्थान के साथ आप जुड़ पा रहे हो। ये जमीन और ये बैठने की जगह हिंदुस्तान में सबके लिए नहीं है। 90% बच्चे 12वीं के बाद में रेगुलर कहीं बाहर जाके, 10वीं के बाद में कहीं बाहर जाके देश में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इतना क्या नहीं है, पैसा नहीं है पेरेंट्स के पास कि अच्छी अच्छी जगह जाके पढ़ सके। लेकिन आपके पेरेंट्स ने, चाहे उनकी व्यवस्था हो नहीं हो, आपको सौभाग्य दिया है। मैं हर बार कहता हूं, आज पहला ही सेमिनार है इसलिए वापस कह रहा हूं, कि पढ़ लिख के आदमी वही खुश होता है जो इन 4 लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता। जो बच्चे 11th से 12th में आए उनके लिए आज ये दूसरी बार फर्स्ट टाइम है। अगर किसी बच्चे ने गलती, पिछली बार 1 जनवरी को मैंने कहा था जब शुरुआत हुई थी तब कहा था, आज वापस कह रहा हूं, हर बार काउंसलिंग में भी कहता हूं कि जो बच्चा पढ़ लिख के अपने मम्मी पापा का नाम करना चाहता है, पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम करना चाहता है, उस बच्चे को या तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, अगर वास्तव में नाम करना है तो इन 4 लोगों को जिंदगी में कभी भी बेवकूफ नहीं बनाना है। मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती मां, आप ये सोचो कि मैं बेटा बेटा टेबल बजाता रहूंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, अरे पता चलेगा, यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी। आप सोचो मैं कॉलेज में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, पिताजी से नया कोर्स कर रहा हूं, पापा पैसे मंगवा लूं और गुलशरे उड़ा लूं, मम्मी पापा को पता ही नहीं चलेगा, जिस दिन नौकरी का पेपर देगा उस दिन पता चलेगा। और ये लास्ट वाली सरस्वती मां किसी को माफ नहीं करती,
इसलिए जब आपने कलम हाथ में ले लिए तो इस चीज की कसम खा लेना कि मैं इन चारों को बेवकूफ तो कभी नहीं बनाऊं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूं। जब भी आपको लगे आपका दोस्त कर रहा है, जब भी आपको कहीं पर भी लगे कि मैं भी ये कर लूं, उस टाइम दो मिनट अपने मन से पूछ लेना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। और इसका पता अगर मेरे माँ बाप को लगा, मेरे गुरुजी या सरस्वती माँ को लगा, तो उनपे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे, उसी से आपकी पूरी लाइन एक जैसी चलेगी लाइफ में। और ये चार काम करने वाले बच्चे के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन बच्चे जैसे ही बच्चों की दाढ़ी मूंछ आती है तो अपने आप को यूं समझते हैं कि अब बड़े हो गए, और उसके बाद में मम्मी पापा को तो गाय भैंस की तरह समझते हैं कि यार जन्म देना उनका फर्ज था, जानवर भी तो देते हैं, पढ़ाना उनका फर्ज है, उनका नाम वो इसलिए पढ़ा रहे, अब तो हम वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। 99% पढ़ लिख के लोग बर्बाद इसलिए होते हैं क्योंकि वो इन चारों में से किसी एक को फॉल्ट कर देते हैं।